हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 मार्च 2019 की प्रीलिम्स बेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखने से पहले एक्चुअली कल जो हमने एक न्यूज डिस्कस की थी वुड स्नेक के बारे में, उसमें एक मिस्टेक हुई थी। वो थी मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे वुड स्नेक है वो डिस्कवर किया गया था अभी वापस से, जो कि लगभग 140 साल बाद वापस वहाँ पे देखा गया था। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो तमिलनाडु में है, ना कि मेघालय में। ये वहाँ पे कल मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसको करेक्ट है वो कर लेना। मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे बेसिकली वुड स्नेक की स्पीसीज है वो डिस्कवर है की गए हैं, वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये आप जो मिस्टेक है इसको कल के नोट्स में अपडेट कर लेना। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्चुअली पिछले साल के क्वेश्चन से ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द ATMs इन इंडिया, मतलब हमारे देश के जो बैंक हैं उनको कौन सा इनमें से संस्थान है, कौन सी सी इंस्टीट्यूट है जो कि बैंक ATM को आपस में कनेक्ट है वो करता है, मतलब बैंकों को ATM है उनको कनेक्ट करके रखता है। पहला ऑप्शन आपके सामने इंडियन बैंक एसोसिएशन, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और चौथा है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो हमारे देश में जो बैंकों को रेगुलेट करना है, बैंकों के जो ATM है इन सबको मॉनिटर करने का जो काम है वो किया जाता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना, ये एक तरह का एक नेटवर्क है जो कि बेसिकली रेगुलेट किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो एक तरह का नेटवर्क टाइप का है। हमारे देश के जितने भी ATM है वो सारे इसी के थ्रू कनेक्ट है वो होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन भी UPSC ने लास्ट ईयर है वो पूछा था, तो अब आप बताइए कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा है द कोर्ट ऑफ UN कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, चौथा ऑप्शन है आपके सामने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, तो इसका आंसर वो यहाँ पे डी हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट 2018 किसके द्वारा पब्लिश की गई। पहला ऑप्शन आपके सामने वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा है UN एनवायरमेंट प्रोग्राम और चौथा है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो UPSC में एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम हो, आप जब भी ऑप्शन पढ़ो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लास्ट के दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं कि यार UN एनवायरमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, नहीं वो UNEP का है। ये ध्यान रखना है इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट UNEP की है, ना कि UNDP की। ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो कि पोवर्टी एस्टिमेशन के लिए नहीं गठित की गई है, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से जो कमेटी है वो पोवर्टी से बिलोंग है वो नहीं कर रही है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है YKL का, दूसरा दिया गया है NC सक्सेना कमेटी, तीसरा दिया गया है प्रणब सेन कमेटी, चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो देखो मैं आपको बताऊं जो प्रणब सेन कमेटी है ये बेसिकली स्लम एरिया के लिए आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पोवर्टी एलिवेशन के लिए 2010 में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये प्रणब सेन कमेटी वो किस लिए थी। UPSC ऐसी कमेटियों के बारे में हर साल एक आध क्वेश्चन है वो पूछती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग या आर इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 एंड सेंसस 2011। इसमें देखो हमें दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो जनगणना भारत में होती है वो जनगणना है वो सेंसस कमिश्नर जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उसके द्वारा की जाती है, जबकि जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होती है वो एक्चुअली 2011 की जो हुई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जनगणना है उसे जो सेंसस या जनगणना की जाती है वो एक स्टेचुरी बैकिंग है, मतलब उसका संविधान में प्रावधान किया गया है, जबकि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जनगणना का या जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, ये आपको फिर ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो जनगणना होती है वो तो वैसे तो अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट है। आप ये बताइए चलो सबसे पहले जनगणना हमारे देश में कब हुई, सबसे पहला सेंसस भारत में कब हुआ था, ये आपको बताना है।
तो देखो भारत में वैसे आजादी के बाद आपको बताया 1948 में इसका एक्ट है वो बनाया गया था, और उसके बाद से जनगणना है वो कंटिन्यू की जाती है। जबकि सोशल इकोनॉमी जो कास्ट सेंसस होती है उसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो करवाती है। इसका मोटो क्या है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मेन मोटो ये है कि भाई हमारे देश में जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको मतलब जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस स्कीम का यूज है वो किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को लेके। अभी न्यूज में भी था ये, तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए काम है वो करती है। मतलब इंडिया में एकमात्र ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग है वो करती है, उसके लिए डेडिकेट है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि यह जो काम है वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके अंतर्गत ये काम है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन काम है वो सारा होता है। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। ये स्टेटमेंट ओनली कह, बट देखो आपको मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम गलत होते हैं, बट बहुत कम ही ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो सही भी होते हैं। यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वह इंडिया की एकमात्र ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सोलर एनर्जी सेक्टर को बिलोंग है, करती है, उसके लिए काम है वो करती है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें मैच द फॉलोइंग पूछी गई है GITA को लेके। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मरायूर जिगरी केरला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिरसी सुपारी, ये दिया गया है कर्नाटका, तीसरा दिया गया है यहाँ पे थिरुवनम सिल्क साड़ी, दिया गया है केरला। हमें पूछा है करेक्टली मैच कौन सा है। देखो दोनों ही ऊपर वाले तो अभी न्यूज में थे, ये भी न्यूज में था थोड़ा टाइम पहले, तो आपको बताना है कि कौन सा में से करेक्ट इनकरेक्टली पूछा है। सॉरी इसने हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो ऊपर वाला तो बिल्कुल सही है, मरायूर जिगरी है वो तो केरला से था, अभी आपने बताया कि JITEC दिया गया है। सिरसी सुपारी है वो कर्नाटका की है, तो इसका मतलब दूसरा भी सही है, बचा तीसरा, तो तीसरा बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पे थिरुवनम सिल्क साड़ी है ये बेसिकली तमिलनाडु की है, ना कि केरला की JITEC है, तो ये हमें ध्यान में रखना। तो इनकरेक्टली मैच पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अगर हमें करेक्ट पूछता तो इसका आंसर हो जाता बी कि पहला और दूसरा वो सही है। अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो आर्टिकल है वो है UN इन्वायरमेंट असेंबली यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली। कंटेक्स्ट ये है कि फोर्थ सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है ना, वो अभी 11 से 15 मार्च के बीच में नैरोबी केन्या के अंदर आयोजित है वो किया जा रहा है, यह है कंटेक्स्ट। अब है क्या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। देखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है ना वो वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट को लेकर। ऑब्वियसली UN से बिलोंग करती है, ये तो नाम से पता चल रहा है। बीस को बनाया गया था 2012 में। देखो आपको पता है 1992 में अर्थ सबमिट हुआ था। अब 1992 में अर्थ सबमिट हुआ, इसके 20 साल बाद आपको पता है कॉन्फ्रेंस तो वैसे हर साल आयोजित होती थी, बट इसके 20 साल बाद में जो रियो प्लस हुआ था, जिसके हम रियो प्लस के नाम से जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 2012 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना उस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली को बनाने की बात है वो की गई और तब इसका निर्माण है वो हुआ था। और यह 2 साल में एक बार मिलती है और इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी चैलेंज होते हैं उनसे निपटने के लिए डील है वो करती है। मतलब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट के जो भी इश्यूज हैं उन चैलेंज है उनसे क्रिटिकली इन्वायरमेंट चैलेंज जैसे भी हो उन सबको एड्रेस आई वो करती है, बाई एनुअली है मिलती है, ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही देखो थीम वगैरह है वो तो UPSC खैर नहीं पूछेगी, बट फिर भी हम देख लेते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल कंपोजिशन एंड प्रोडक्शन, ये थी थीम। तो थीम भी थोड़ी एक बार देख लेना बस बहुत है, बाकी रटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्टेरी डॉर्फ फ्रॉग के बारे में। देखो अभी एक मेंढक की या फ्रॉग की एक नई स्पीसीज है वो डिस्कवर की गई है, कहाँ पे है ये हमें पता होना चाहिए। ये डिस्कस की हुई है वेस्टर्न घाट में, ये हमें ध्यान में रखना है। और वेस्टर्न घाट है वो वन ऑफ द वर्ल्ड हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कि हमें पता है और हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। अब देखो वेस्टर्न घाट के अंतर्गत भी जो केरला वाला हिस्सा है, हम बात करें वेमना 12 लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है जहाँ पे वेमना डिस्ट्रिक्ट है उस वाले एरिया में यह डिस्कवर किया गया है। और वैसे जो स्टेरी डॉर्फ फ्रॉग है ना ये नॉर्मली साउथ अमेरिका और अफ्रीका के रीजन में पाया जाता है इस तरीके की स्पीसीज, इंडिया में ऐसी स्पीसीज पहली बार देखी गई है। मतलब वहाँ के जो मेंढक पाए जाते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका में
उनसे है, बिलोंग है वो करता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, केरला में एक ट्राइब है जिसका नाम है कुरिचिया ट्राइब, जो आदिवासी हैं, जो कुरिचिया आदिवासी समुदाय या ट्राइब है, ट्राइबल जो ग्रुप है, उनको एक तरीके से मतलब सम्मान देने के लिए इस मेंढक का नाम या इस मेंढक की जो प्रजाति का नाम है वो रखा गया है एस्ट्रोबार्टाचस कुरिया कुरिचियाना। तो ये थोड़ा एक बार आप ध्यान रखना कि कुरिचियाना ट्राइब है वो केरला में है, जो कि वहाँ की मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइब हो जाती है, कि यूपीएससी ने यहाँ पे उसको नाम टैग वगैरह को लेके पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डेलाइट सेविंग टाइम, डीएसटी को लेके। क्या है डेलाइट सेविंग टाइम को लेके कंटेक्स्ट? तो देखो वैसे ही है कि डेलाइट जो सेविंग टाइम है वो मार्च में स्टार्ट होके और नवंबर के पहले रविवार को समाप्त है वो हो जाता है वगैरह वगैरह। ये है कंटेक्स्ट, इस साल थोड़ा एक दिन पहले है वगैरह हुआ है, तो ये तो देखो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें दो छोटे छोटे फैक्ट आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो क्या कि डेलाइट सेविंग टाइम होता क्या है। देखो जैसे ये होगी हमारी अर्थ, और ये होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होगी हमारी इक्वेटर। अब होता क्या है कि जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफी ऊपर की साइड होती है, जैसे यहाँ पे होगी, उनमें क्या होगा सर्दियों में तो इतनी ज्यादा दिक्कत क्या होगी, सर्दियों में तो दिन वो और भी ज्यादा छोटे होने लगते हैं, जबकि गर्मियों में इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि दिन उनके मतलब ज्यादा ही लंबे, गैप है वो काफी लंबा हो जाता है। ये तो हमें पता है इस चीज का कि गर्मियों के अंदर उनके जो दिन है वो काफी लंबे शुरू होने हो जाते हैं। तो इसी चीज को या इसी चीज को यूटिलाइज करने के लिए क्या होता है, जो इस एरिया वाली जो कंट्रीज होती है ना वो क्या करती हैं, गर्मी का जो ही मौसम स्टार्ट होता है ना तो अपनी घड़ी को 1 घंटे आगे खिसका देती हैं। जैसे मान लो कि आज के दिन ही 14 मार्च को उन्होंने क्या किया, घड़ी को उन्होंने 7 बजे तो उन्होंने 8 बजे, 8 टाइम है वो 8 बजे सेट कर दिया। अब क्या होगा वो डेली वही टाइम रहेगा जब तक वापस जो नॉर्मल रूटीन नहीं आएगा, तो वो लगभग नवंबर के आसपास वापस 1 घंटा पीछा करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि डेलाइट सेविंग टाइम सिस्टम है क्या और कहाँ पे इसका यूज है वो क्या जाता है। इसका मोटो यही होता है कि भाई उस टाइम पे उस एरिया में जो भी गर्मी जो डेलाइट टाइम है या हम बोलेंगे सनलाइट वगैरह है उसका प्रॉपर ढंग से यूज है वो किया जा सके और अच्छा से अच्छा काम हो किया जा सके। बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया के अंतर्गत डेलाइट सेविंग टाइम का यूज है वो नहीं किया जाता है, ये बेसिकली जो उन कंट्रीज के यूज किया जाता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफी ऊपर की साइड होती हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के काफी नीचे की साइड होती हैं। जो कंट्री इक्वेटर के आसपास होती हैं उनमें तो आपको पता है वैसे दिन रात ऑलमोस्ट इक्वल से होते रहते, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो वहां पे ऐसा यूज है मतलब इस तरीके का यूज है वो नहीं किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि डेलाइट सेविंग टाइमिंग है वो इंडिया के अंतर्गत नहीं यूज किया जाता है और इसमें टाइम को 1 घंटे एक्सटेंड कर देते हैं गर्मियों में। बस ये दो फैक्ट इनफ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेके। देखो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है ये वैसे तो अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था 1923 में। नाम से पता चला है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मतलब जो ऑफिशियल अधिकारी वगैरह है, जो भी अधिकारी वगैरह ऑफिसर्स वगैरह उनके पास जो भी आधिकारिक डाटा हो गया वो सीक्रेट रखना है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये उस टाइम पे बनाया गया है मेनली सिक्योरिटी के पर्पज के लिए, कि भाई जो भी उस टाइम पे ब्रिटिश अधिकारियों की जो भी न्यूज थी ऑफिस की वो बाहर आम जनता के सामने ना आ सकें, तो इसलिए उस टाइम पे इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद के तहत ये चीजें रिएक्ट है वो बनाया गया था। बट आज़ादी के बाद भी इस एक्ट को एक तरीके से मतलब एक्टिव फॉर्म में रखा गया था और कंटिन्यू रखा गया था। इसका मोटो ये है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो नागरिकों के लिए मतलब कोई भी इस तरीके की जासूसी वगैरह ना करें जिससे कहीं ना कहीं सरकार की जो सरकार की इज्जत है आप बोल सकते हो कि उसको सोवरेनिटी को नुकसान है वो पहुंच सके। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट की जो भी मतलब ड्रेस वगैरह है या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी काफ़ी सेंसिटिव उनको शेयर नहीं किया जा सकता, ऐसे कुछ काम के प्रावधान किया गया। जैसे कि ये मान लो कि मिलिट्री के अंतर्गत कोई मैप वगैरह हो गया काफ़ी सेंसिटिव है तो कोई फोटो वगैरह होगी तो वो बाहर आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लेकर। कंटेक्स्ट बेसिकली ये था कि देखो अभी राफेल के कुछ दस्तावेज वो एक तरीके से आपको पता है कि बाहर आ गए थे तो उनको लेके कुछ मामला बवाल उठा हुआ था, तो बस एक बार ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो आजादी से पहले का है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई है वो दिया गई है कि एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत जो माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज और जो मीडियम एंटरप्राइज होते हैं इनको लेके अभी कुछ चेंजेस किए गए थे कुछ टाइम पहले, तो भी बार बार ये न्यूज में आ रहे थे तो हम इसको कवर कर लेते हैं। देखो आपको ध्यान में रखना है कि वो कंपनी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है रिवेन्यू एनुअल वो सब उस कंपनी को माइक्रो एंटरप्राइज के अंतर्गत काउंट है वो की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब है कंपनी है उस
उसका एनुअल रिवेन्यू है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम तक का है तब तो वो माइक्रो एंटरप्राइज है। अगर उसका एनुअल रिवेन्यू है या टोटल टर्नओवर हो गया वो 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज हो जाएगी, और अगर 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का है तो वो मीडियम एंटरप्राइज है, वो हो जाती है। तो ये कुछ अपडेट किया गया है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी को माइक्रो कहते हैं, कौन कौन सी स्मॉल कहते हैं और कौन कौन सी को मीडियम। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वोटिंग ऑप्शन इन इंडिया। देखो अभी आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लोकसभा के इलेक्शन उनकी डेट डिक्लेयर कर दी है, बट आपको पता है कि हमारे देश में नॉर्मली अगर बात की जाए तो एक ही मेथड है वोट देने का, वो कौन सा है कि आप पोलिंग बूथ जाओ और वोट दे के आ जाओ। बट देखो इसके अलावा भी 2 ऑप्शन रखे गए हैं कुछ एरियाज के लिए, बट ये लिमिटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो है पोस्टल बैलेट और एक है प्रोक्सी वोटिंग। देखो पोस्टल बैलेट और जो प्रोक्सी वोटिंग है ना वो उन पर्सन्स के लिए है जो कि जैसे इलेक्शन में ड्यूटी दे रहे हो या फिर आर्मी फोर्स के अंतर्गत हो या फिर हम बात करें कि इलेक्टोरल सब्जेक्ट के लिए, मतलब कहीं भी ऐसी सेंसिटिव जगह पे हो वो आ नहीं सकते हो, तो उन लिमिटेड लोगों के लिए पोस्टल बैलेट या प्रोक्सी वोटिंग का ऑप्शन है वो अवेलेबल है। आम जनता के लिए प्रोक्सी वोटिंग या पोस्टल बैलेट का ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं किया गया, आपको ध्यान में रखना है। पोस्टल बैलेट में क्या होता है? पोस्टल बैलेट में देखो सीधी सी बात ये होती है कि लिफाफे के अंदर आपने अपना वोट है वोट डाला, मतलब और उसके बाद में आपने उसको कोरियर कर दिया। इसके बाद में प्रोक्सी वोटिंग का मतलब क्या है? किसी को आपने बोल दिया प्रोक्सी की तरह कि हाँ भाई ठीक है आप वोट मेरा दे सकते हो, जिसको भी आपने इलेक्ट किया है वो पर्सन बाकायदा वहां पे जाके वोट है वो दे सकता है पोलिंग बूथ में। ये हमें ध्यान में रखना है, ये मतलब जो जिस भी पर्सन को उन्होंने ऑथोराइज किया है तो वो वहां पे जाके वोट है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही जो इंडिया के ओवरसीज वोटर्स हैं जो कि इंडिया के जिनके पास पासपोर्ट है जबकि रहते वो बाहर हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा के ही वोट है वो दे सकते हैं। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि ओवरसीज वोटर्स है वो इंडिया में वोट दे सकते हैं नहीं दे सकते? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बट उनको वोटर लिस्ट में अपना नाम है वो रखवाना होगा। बट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, वो कन्फ्यूज कर सकते हैं, वो ये है कि लास्ट से लास्ट ईयर मतलब 2017 में गवर्नमेंट एक्ट लाई थी, इसका नाम था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल बिल, जो सॉरी एक्ट तो अभी बना नहीं है। इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि आम जनता जो सॉरी एनआरआई वगैरह है वो भी प्रोक्सी वोटिंग का यूज कर सकें, बट आपको बताया लोकसभा से वो पास हो गया था और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, और अब आपको बताया कि आचार संहिता लग चुकी है और लोकसभा एक तरीके से अब मतलब वापस तो पार्लियामेंट सेशन बैठेंगे नहीं राज्यसभा के, तो इसलिए वो अपने आप लिप्स है वो हो जाएगा। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना, यूपीएससी इसके बारे में पूछ लेती है घुमा फिरा के। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रिकॉर्डिंग माइन के बारे में। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि रिकॉर्डिंग माइन है ये एक एरिया है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में, ये हो गया पाकिस्तान, इसके जो बलूचिस्तान वाला एरिया जो कि हम बात करें अफगानिस्तान और ईरान वाले एरिया के पास में है काफी, यहाँ पे ये माइन है। और ऐसी उम्मीद क्या मतलब इस तक डाटा से पता चला है कि ये है वो अभी तक का वर्ल्ड का बिगेस्ट अनटैप्ड कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट का एरिया, मतलब यहाँ पे वन ऑफ द यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में कॉपर और सोने के रिजर्व पाए गए हैं। तो ये कंटेक्स्ट था, छोटी सी न्यूज थी तो हमने इसको यहाँ पे कवर किया। तो ये थी आज की हमारी न्यूज डिस्कशन, तो फिलहाल की न्यूज में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।